नमस्कार, प्रणाम, सलाम। हम आप सब के अपन प्रदीप पांडे चिंटू, और बहुत ही अफसोस के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हमारे धरती, हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर के साथ साथ और भी कई जिलों में हमारे मेरे छोटे भाई, मेरे कई सारे भाई और बच्चे इंसेफ्लाइटिस के बीमारी के शिकार हो चुके हैं, जिनकी कई बच्चों की मौत हो चुकी है। वो दृश्य देखा नहीं जा रहा है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ ये बात। और जो बच्चे आज उस बीमारी से लड़ रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी सेहतमंद हो, जल्दी इस बीमारी से लड़ के डट के इस बीमारी का मुकाबला करें और जल्दी से ठीक होकर अपने अपने घर, सभी लोग उनके पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ घर वापस लौटें। आप सब से हाथ जोड़ के विनती बा, निवेदन बा कि जौन भी प्रकार के मदद हो सके, आप सब लोग आगे बढ़ें और मदद जरूर करें। ऐसा मत समझिए कि वो हमारा कोई नहीं है, ये सब हमारे अपने हैं। तो आगे बढ़कर किसी भी प्रकार से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, किसी भी रूप से अगर आप सब लोग कोई भी किसी भी प्रकार का योगदान दे पाएँ तो ज़रूर दीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे जो भी हो सके मैं कर रहा हूँ, और आप सबसे भी निवेदन बा कि आप सब लोग भी जौन कुछ भी हो सके ज़रूर करें। कहे कि अभी अपना अपना देश के भविष्य के, अपना बच्चा लोग के, आप सबके बहुत ज़रूरत बा, हम सब के बहुत ज़रूरत बा। तब आप सबसे निवेदन बा। और एगो खास बात कि आज 21 जून के हमार फिल्म नायक रिलीज होके वाला रहे, लेकिन यही चलते हमनी के हम अपना नायक के पूरा टीम से डिस्कस करके, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे निवेदन करके, हम रिलीज के कैंसिल करके हम आगे कर देनी है। तब जब भी फिल्म रिलीज होगी तब जाके देखें, लेकिन अभी फिल्म के बात नहीं, के बाद बा आप सबके जरूरत बा। और साथ साथ सरकार से भी निवेदन बा कि प्लीज़ आप लोग आगे बढ़कर कुछ, जितना भी कुछ बन सके आप लोग बच्चों के लिए ज़रूर करें, क्योंकि वो दर्द, वो तड़प देखी नहीं जा रही है। मेरे भाइयों की तड़प, वो रोना, वो देखा नहीं जा रहा है। बहुत बहुत मैं शब्दों में नहीं बोल पा रहा हूँ, बस इतना कहूँगा कि आप सब लोग साथ ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।